Hello everyone, I welcome you all on behalf of IIT Ashram, a name that needs no introduction. Especially जो लोग बड़ौदा से हैं आप IIT Ashram के बारे में डेफिनेटली जानते होंगे. एक बहुत ही रेनाउंड इंस्टीट्यूट है. 20 साल से कंसिस्टेंटली हमने टॉपर्स दिए हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं. लीडिंग इंस्टीट्यूट में दो वजह से क्लेम करता हूँ. फर्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु क्वालिफाई. सबसे मैक्सिमम सिलेक्शंस आपको बड़ौदा में मिलेंगे IIT Ashram से. सेकेंड, कन्वर्शन रेशियो. जितने स्टूडेंट्स हमारे पास पढ़ते हैं उसमें से कितने लोग क्वालिफाई करते हैं, वो नंबर सबसे ज़्यादा. अगली बात करें कि भाई खोज एग्ज़ाम की, तो ये खोज एग्ज़ाम के क्या फ़ायदे हैं. ये एग्ज़ाम एक्चुअली हम 16 साल से कंडक्ट कर रहे हैं. ये एग्ज़ाम जो है ये एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी खोज ख़त्म होती है एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छे टीचर्स के लिए, और हमारी एंड होती है अच्छे स्टूडेंट्स की तलाश पर. तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे हम आ जाते हैं. खोज एग्ज़ाम आपने दिया होगा एंड आई बिलीव आप सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया होगा. उसके पीछे दो रीजंस मुझे लगते हैं. फर्स्ट थिंग, इस साल के अभी जस्ट एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं मोर और लेस, आपके टर्म एग्ज़ाम्स और कुछ लोग के आने वाले हैं, तो ऑब्वियसली आपने काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन की होगी. लास्ट ईयर आपने उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी पढ़ाई की थी, तो उसके कॉन्सेप्ट भी फ्रेश होंगे. बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो अगर आपका पेपर लास्ट ईयर के कुछ पार्ट पे और करंट ईयर के कुछ सिलेबस पे बेस्ड है तो आपका अच्छा परफॉर्म करना तो डेफिनेट है ही, उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं है. खोज एग्ज़ाम देने के तीन रीज़न हैं. फर्स्ट, आपने अगर एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आप अपने आप को बेंचमार्क कर सकते हैं अगेंस्ट द बेस्ट स्टूडेंट्स इन बड़ौदा अक्रॉस डिफरेंट स्कूल्स, क्योंकि ये एग्ज़ाम हर स्कूल के कुछ ना कुछ बच्चे से देते हैं. नंबर कुड वेरी, पर बड़ौदा के बहुत सारे स्कूल्स के बच्चे ये एग्ज़ाम देते हैं, तो आप कहाँ स्टैंड करते हैं आपको पता चलता है. सेकंड, आपकी प्रिपरेशन आज की डेट में कैसी है उसका आपको एक आइडिया लगता है, और यहाँ से कितना आपको इम्प्रूव करना है फाइनल एग्ज़ाम्स तक, वो भी थोड़ा सा एक पता चलेगा आपको. तीसरा, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि अगर आपने खोज एग्ज़ाम दिया है तो डेफिनेटली आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है. अगर आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप इस चीज़ को कैपिटलाइज कर सकते हैं. स्कॉलरशिप आपके ऑब्वियसली परफॉर्मेंस पे डिपेंड करेगी. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि अगर आपने 29 अक्टूबर से पहले रजिस्टर किया तो आपको एडिशनली 5% स्कॉलरशिप मिलेगी. इसका क्या मतलब है? जैसे परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड आप 40% स्कॉलरशिप के हकदार हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि इसमें कुछ बढ़ोतरी हो, तो उसका सबसे बड़ा यह सबसे आसान तरीका हो सकता है, 29 अक्टूबर से पहले एनरोल कर लें, तो आपकी स्कॉलरशिप 40 से बढ़ के 45 हो जाएगी. अगर आप 60% स्कॉलरशिप अवेल कर रहे हैं, मतलब मिल रही है थ्रू खोज, तो 5% उसमें और जोड़ लीजिए, तो दैट मेक्स इट 65%. तो इस तरह से एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. स्कॉलरशिप जो आपको एग्जिस्टिंग मिल रही है उसको और थोड़ा सा 5% बढ़ाया जा सकता है. तो होप टू सी यू सून, ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, सो आई होप आप लोगों का सबका एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा. सो हम लोग अभी फिजिक्स का जो 5th स्टैंडर्ड का पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं. बहुत इजी पेपर था, मैं फटाफट से एक्सप्लेन करते करते आंसर्स बताता रहूंगा. राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1, अ गर्ल इज 4 मीटर अवे फ्रॉम द प्लेन मिरर. इफ शी मूव्स फ्यू स्टेप्स क्लोजर टू द मिरर, व्हाट विल हैपन टू द इमेज साइज इन द मिरर. इमेज साइज का क्या फर्क पड़ जाएगा अगर जो ये लड़की है वो थोड़ा सा आगे आ जाएगी. तो बेटा हम सबको पता है कि मिरर की एक प्रॉपर्टी होती है, मिरर की प्रॉपर्टी होती है कि हम जितना दूर खड़े हैं उतनी ही दूर इमेज बनती है. ये पहली चीज. और दूसरी चीज, जितना हमारी हाइट है उतनी ही हाइट की इमेज बनती है. हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हाइट ऑफ इमेज विल बी ऑलवेज इक्वल. सो अगर हम आगे या पीछे चले जाए उससे हमारी हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अगर हमारी हाइट में फर्क नहीं पड़ रहा है तो इमेज की जो हाइट होगी वो भी सेम ही रहेगी. सो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, द साइज ऑफ इमेज विल रिमेन सेम. ओके, विल मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कॉजेज द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन अक्रॉस द स्काई ड्यूरिंग द डे. ओके, सो ये क्वेश्चन ऐसा है कि जो सन है वो हम लोग देखते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, बट हमको पता है एक्चुअल में कि सन जो है वो एक ही जगह पे है, उसके अराउंड अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रहा है. अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. राइट, सो सन जो है उसको हम स्काई में से एक जगह से दूसरी जगह देख रहे हैं, इसलिए
बिकॉज जो हमारा अर्थ है वो अपनी एक्सिस में रोटेट करता है, तो जब एक्सिस पे वो रोटेट करता है, सन भले ही रेस्ट पे है बट हम पूरा मूव कर रहे हैं, उसकी वजह से हमें सन इधर से उधर जा रहा है ऐसा हमें लग रहा है, राइट? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ सन विल ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। ओके, ये अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन कहते हैं इसको। विल मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग एन इंक्लाइन प्लेन टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट। कोई अगर एक हैवी ऑब्जेक्ट है तो हम लोग इंक्लाइन प्लेन का यूज करके उसको मूव कर सकते हैं, और उसके पीछे बहुत ही सिंपल लीवर का कॉन्सेप्ट यूज होता है कि इंक्लाइन प्लेन है, लीवर हमारे पास है, सो यहां पे फोर्स लगाएंगे तो यहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो ऊपर उड़ जाएगा। सो इंक्लाइन प्लेन से मैं कोई ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता हूं, और इसकी वजह से जो मेरे को फोर्स लगाना पड़ेगा वो रिड्यूस हो जाएगा। सो हमें जो एफर्ट लगानी पड़ेगी वो रिड्यूस हो जाएगी बिकॉज ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, टू रिड्यूस द फोर्स रिक्वायर्ड टू रेज और लोअर एनी ऑब्जेक्ट, इंक्लाइन प्लेन से हम ये चीज कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर, लाइट ईयर इज यूनिट टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। सो लाइट ईयर क्या होता है? सो लाइट ईयर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन अ ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन वन ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वन ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। ओके, सो जो लाइट ईयर है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लिए यूज होता है। ओके, लाइट ईयर एक यूनिट में है डिस्टेंस मेजर करने का, जैसे अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस मेजर करना है, या फिर अर्थ से लेके कोई बहुत दूर के स्टार का डिस्टेंस मेजर करना है, वी विल यूज लाइट ईयर यूनिट। ओके, वी विल मूव फॉरवर्ड, अ मून इज, तो हम सबको पता है बेटा मून जो है वो लाइट तो हमारे पास सेंड कर रहा है बट वो उसकी खुद की लाइट नहीं होती है, सन से जो लाइट आती है वो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आती है, तो मून की खुद की लाइट नहीं है, मून डजंट हैव इट्स ओन लाइट। सो मून को हम लोग क्या कहेंगे? एक नॉन ल्यूमिनस बॉडी कहेंगे। ओके, उसकी खुद की लाइट नहीं है इसकी वजह से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ ड्राई कॉम्ब आफ्टर कॉम्बिंग द हेयर इज ब्रॉट नियर टू द टाइनी पीस ऑफ पेपर, व्हाट हैपेंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने के लिए अगर मान लो आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी कर सकते हो। कैसे? बिकॉज दे रखा है ड्राई कॉम्ब, तो कॉम्ब की जगह मैं प्लास्टिक पेपर ले लू या प्लास्टिक की स्केल ले लू, उसको ड्राई हेयर से रब करे और फिर पेपर्स या किसी से भी कॉन्टेक्ट में लाएंगे तो वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मैं सजेस्ट करूंगा कि एक आप एक्सपेरिमेंट करिएगा, प्लास्टिक की स्केल लेना, ड्राई हेयर से रब करना और उसके बाद उसको पेपर पीसीस के पास ले जाना, तो वो अट्रैक्ट होते हैं। सो ये एक बेसिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से होता है। इधर भी सेम क्वेश्चन ही है कि ड्राई हेयर से अगर हमने कॉम्ब को मूव किया, कॉम्ब को एक दूसरे के साथ हम लोगों ने घिसा, तो उससे क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। सो आंसर विल बी सी, द पेपर पीसेस विल गेट अट्रैक्टेड एंड स्टिक विद द कॉम्ब ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन में, टेस्ट ट्यूब मेजर 125 mm इन लेंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो इट्स करेक्ट लेंथ। सो हमें यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन करने को पूछा हुआ है, हमसे पूछा है कि 125 mm को मीटर में कन्वर्ट कर लो। सो हम सबको पता है 1 millimeter जो होता है, मिलीमीटर, सो 1 millimeter होता है 10^-3 meter, विच कैन ऑल्सो राइट एज 1/1000 meter, 1 mm का ये मतलब होता है, राइट? सो 125 mm कैन बी रिटन एज 125 × 1 mm, एंड 1 mm जो होता है वो कितना होता है? 1/1000 meter, कट कर दोगे तो आएगा आंसर 0.125 meter। सो 125 mm कैन बी रिटन एज 0.125 meter, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। आई होप यू गेट दिस टॉपिक, राइट? यूनिट कन्वर्जन वेरी सिंपल मेथड। विल मूव फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर एट, एयर इज नॉट विजिबल बिकॉज। सो कोई भी चीज विजिबल क्यों होती है? तो विजिबिलिटी के लिए रिफ्लेक्शन या एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है। अगर कहीं पे लाइट है, जैसे कि मान लो हमारे पास एक बल्ब है, उसमें से लाइट रेज निकल रही है, और यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, सो जब लाइट रेज पे गिरती है और रिफ्लेक्ट होती है और हमारे आईज में आती है तो हमको ये ऑब्जेक्ट दिखता है। सो इधर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन की वजह से हम कोई चीज देख सकते हैं।
अगर कोई चीज हमें नहीं दिख रही है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है या एब्जॉर्प्शन नहीं कर रहा है. सो जो इट नाइदर एब्जॉर्ब और नॉर रिफ्लेक्ट लाइट, ये करेक्ट है. उसके बाद है इट इज नियरली अ परफेक्ट ट्रांसपेरेंट मीडियम. यस, वी कैन नॉट सी एनी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट. सो ऑप्शन ए इज ऑल्सो करेक्ट. एंड ऑप्शन डी, इट ट्रांसमिट्स वोल ऑफ द लाइट, ये भी करेक्ट है. ट्रांसमिट वोल ऑफ द लाइट का मतलब ये हुआ कि जब लाइट रेज पे गिरती है तो ये ऑटोमेटिक उस लाइट को आगे ट्रैवल होने देता है. जैसे एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, सो लाइट रे इधर से आई और ये ट्रांसपेरेंट है तो आर पार चली गई उसके, राइट. सो ट्रांसपेरेंट चीजें जो होती है वो लाइट को ट्रांसमिट करती है, जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देगी. सो यहां पे जो करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा. ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट, राइट. विल मूव फॉरवर्ड. क्वेश्चन नंबर 9, अ बॉल रोलिंग ऑन अ सरफेस स्लोज डाउन बिकॉज ऑफ व्हाट. सो अगर कोई हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, एक बॉल हम लोगों ने मारा, वो बॉल धीरे धीरे जाके रुक जाता है, तो रुकने का रीजन ये है कि जो सरफेस है उसके साथ ये कॉन्टेक्ट में है. एंड बिकॉज ऑफ दिस कॉन्टेक्ट यहां पे सरफेस इसको रोकने का ट्राई करेगा और उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. सो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये जो बॉल है वो रुक जाएगा. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर. अ सन अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अराउंड द अर्थ. दिस मींस दैट अर्थ रोटेट्स फ्रॉम डैश. ओके, तो इसमें दे रखा है कि सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, राइट. एक्चुअल में हम सबको पता है सन कहीं नहीं जा रहा है, सन इज अ स्टेशनरी. हम रिवॉल्व कर रहे हैं, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वजह से सन हमें एक जगह से दूसरी जगह जाता हुआ दिख रहा है. तो बेटा इसके लिए एक सिंपल चीज, अगर आपने कभी भी ट्रेन में आप बैठे हो और दो ट्रेन एक दूसरे के पैरेलल है, अगर एक ट्रेन मूव करने लगेगी तो दूसरे वाले को लगेगा कि मेरी ट्रेन पीछे जा रही है, या फिर सामने वाली ट्रेन इसमें जो बैठा है उसको लगेगा कि इसकी ट्रेन पीछे जा रही है. तो इसको रिलेटिव मोशन कहते हैं. इन अ सेम वे जब हम सन को ईस्ट टू वेस्ट जाता देखते हैं तो एक्चुअल में हम वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रहे हैं, इसलिए सन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है ऐसा हमें लगता है. ओके, सो करेक्ट आंसर इज द अर्थ विल रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. आई होप आपको फिजिक्स समझ में आया होगा ये. ओके, इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन पेपर, आपके सबसे अच्छे मार्क्स यहाँ पे आ सकते थे. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.